औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ रहीम साहिब सत तकरीम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशनसीबी है कि इस दौरे पुरफितन में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इल्म व हिकमत के हवाले से, दीन इस्लाम की सही तालीमात के हवाले से और अपने शीरी लबो लहजे के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद ख़तीब आज़म पाकिस्तान उकाड़वी अकेडमी अलालमिया के सरबरा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम नाज़रीन और सामईन को भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अलम साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इस दौर में भी हमें टाइम दे रहे हैं और उम्मत की रहनुमाई के लिए खालिसतन इस प्रोग्राम के थ्रू दीन इस्लाम की सही तालीमात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी, किसी को फ़ायदा पहुँचे। हमारे यहाँ यही है कि दीन सीखा ही इसी लिए है कि लोगों तक पहुँचाया जाए। अल्लाह करे कि यह काविश कबूल हो जाए। आमीन। अलम साहब, इस नशस्त में हमारी कोशिश होगी कि हम ज़कात के हवाले से गुफ्तगू करें। ज़कात है क्या, इसकी अहमियत क्या है, इसकी पूरी एक तारीफ़ क्या है, और फिर हम इसके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि किन लोगों को देनी चाहिए, कैसा निसाब होगा, किन किन पे फ़र्ज़ है। तो इस प्रोग्राम में हम जो है ज़कात के हवाले से जो है गुफ्तगू करेंगे, और उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं, तो आप चाहें तो अलामा साहब से डायरेक्ट लाइव कॉल करके मौजू से मुतालिक ख़ास तौर पे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी प्रोग्राम में आपके सवालात का जवाबात अलामा साहब के थ्रू आपके सामने पेश करें, देख रहे हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके। अलामा साहब, पहला सवाल, ज़कात क्या है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही प्रोग्राम हो, अगर ज़रूरत हुई तो बढ़ा भी सकते हैं। पहली बात तो ये कि अरकान इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम पांच हैं। बुनी अल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की इमारत पांच पर यानी पांच सतूनों पर है। पहली गवाही है अल्लाह ताला की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल पढ़ते हैं। दूसरी नमाज, तीसरी ज़कात, चौथा रोज़ा, पाँचवा हज। तो ये अरकाने इस्लाम में से एक रुकन है। इसका मुनकिर मुसलमान नहीं, ना देने वाला वो गुनाहगार है, और जो देर करे वो फिर उसके मसाइल उसके साथ होते हैं। इसको कहते हैं मखसूस शराइत के साथ अपने माल के एक मखसूस हिस्से का किसी मुस्तहिक को मालिक बनाना। मालिक बनाना ज़कात के वैसे लफ्ज़ के माने अगर देखेंगे तो कुरान में ये लफ्ज़ 32 मरतबा आया है। इसके अलावा भी इसका ज़िक्र सदक़ात के हवाले से, दूसरे लफ्ज़ी माना इसके बनते हैं बढ़ना, फैलना, फूलना। तो ज़कात देने से माल कम नहीं होता, माल में सफाई आती है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। और ये देने के लिए जिन लोगों पे है वो ये याद रखें कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे, रब ताला के दिए हुए में से दे रहे। ये भी हो गया। अब ये तीन चीज़ों पर है। सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं, ठीक है, खालिस सोना। चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं अरबी में, ज़हब और फिज़ा, ठीक है। और इसके अलावा आजकल चूंकि करेंसी नोट, जिसको आप नोट कहते हैं, उससे आप ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो वो भी शामिल। इसके अलावा सामान तिजारत, जो आपने बेचने के लिए, ख़रीदने बेचने का सामान है, ठीक है, उस पर, इन चीज़ों पर ज़कात है। बुनियादी चीज़ जो समझनी है वो ये कि हाजात असलिया, बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है, ये उन पर नहीं है,
उनके अलावा अगर आपके पास निसाब है, ये निसाब का लफ्ज़ बोला जाता है कि एक ख़ास मकदार में आपके पास सोना, चांदी, नकदी और सामान तजारत, प्रीसेटेड वैल्यूज, ये सब है या इनमें से कुछ है। अब उसके दो निसाब हैं, सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं है, तो उसका निसाब 7.5 तोले, 7.5 तोले जो ग्राम बनता है 87.48 ग्राम, लेकिन अगर सिर्फ सोना और कोई भी चीज़ नहीं है तब तो सोने का होगा। ठीक है, एक ज़माना था कि चांदी और सोना 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने की कीमत बराबर थी। बिल्कुल, फिर सोना जो है उसका अलग हो गया सिलसिला, वो जनाब उसको पर लग गए या आप जो भी लफ्ज़ कह लें। तो अब ये होगा कि कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकदी, कुछ सामान तजारत मिला कर आपके पास 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आप साहिबे निसाब हो गए और इस पर पूरा साल गुजरे। आज मिसाल के तौर पर आपने 3 रमदान को अपना हिसाब बनाया। ठीक है, आप साहिबे निसाब हो गए। अब साल के बाद अगले 3 रमदान को दरमियान में कम ज़्यादा होता रहे, कभी बहुत ज़्यादा हो गया कभी कम, अगले साल 3 रमदान को आपने हिसाब करना है और आपके पास जितना है वो उस पर आपने 40वां हिस्सा, ठीक है, तो 100 पर हो गए 2.5, ठीक है, 2.5%, उतना आपने ज़कात देनी है, 2.5%, 2.5% जिसको, यानी 100 पर 2.5 रुपए। बिल्कुल। अच्छा, उशर का चूंकि आम लोगों का मसला नहीं है, खेती बाड़ी के ज़्यादा लोग अगर वो हो तो उसमें 10वां हिस्सा होता है, जानवरों पर उसकी तादाद के मुताबिक होता है। इसको हम आगे अगर ज़रूरत हो, ऐसे लोग जिनके पास जानवर हैं उन्होंने इस तरह को फॉर्म बनाए हुए हैं बेचने वगैरह के लिए, तो उनका होगा। ठीक ठीक जी। अलम साहब, ज़कात के हवाले से हम आगे बढ़ने से पहले अगर इस बात पे गुफ्तगू करें कि इसकी अहमियत क्या है कुरान और सुन्नत के हवाले से भी, और हमें जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के ज़माने में बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से बड़ा एक मशहूर जो उनका फरमान है, तो हम इस हवाले से गुफ्तगू करें ताकि फिर हम आगे जो है। जी, उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ये हमारे दीन का माली निज़ाम है। ठीक है, रूहानी हमारी इबादत हैं तो ये माली निज़ाम इस्लाम का जो भी माली निज़ाम उस वक़्त बैतुल माल कहलाता था। ठीक है, जो इस्लामी हकूमत हो, बादशाह इस्लाम, वो ज़कात का कलेक्शन करेगा, मुस्तहिकीन की फहरिस्त होती थी उनके पास, उसमें से वो मुस्तहिकीन को दिया करते थे। आजकल वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास है, हमने पहले सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार, फिर थोड़ा फासले के रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर मोहल्ले वाले, फिर शहर वाले, फिर पूरी दुनिया हमारे पास। क्या बात। तो ये इस्लाम ने बताया है और सूरह तौबा में जो आया था इन्नमा सदकातु लिलफुकरा, उसमें 8 बताए हैं मसारिफ कि किस किस को दी जा सकती है, तो मुस्तहिक को देना है, तो ये उसमें आएगी। मैं छोटे छोटे उसूल बता दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं, वरना पूरी इस पे जब मैं तकरीर करता हूँ तो डिटेल बताता हूँ। यकीन तौर पे इस पे हम 2 ही प्रोग्राम करेंगे। लम साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वहाँ से जिक्र शुरू करेंगे कि सहाबा के हवाले से भी, हुजूर के हवाले से भी इसकी क्या अहमियत बयान की गई। नाज़रीन इकराम, मौज़िकर हो रहा है ज़कात और उसकी अहमियत के हवाले से, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा फ़ौरन हाज़िर होते हैं और इस दिलचस्प और आपकी जो कि तवज्जो के तलब मौजू है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है ज़कात के हवाले से, इसके मसारिफ के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, और आपको साथ साथ बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे ताकि ज़कात के हवाले से जो भी आपके जहनों में शकूक व शुबात या मसाइल या सवाल उठ रहे हैं तो आप अल्लामा साहब से डायरेक्ट लाइव कॉल के थ्रू वो पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपके सवाल के ज़रिए से दूसरों की भी रहनुमाई होगी। अल्लामा साहब, एक सवाल ड्यूरिंग ब्रेक रिसीव हुआ कि एक शख्स पूछ रहे हैं कि बहुत सी कंपनीज़ ये करती हैं कि ज़कात के माल में अपने तौर पर कुछ चीज़ें ख़रीदती हैं
और एम्प्लॉयज़ में बांट देती हैं लोअर स्टाफ में, उनमें कुछ लोग साहिब निसाब भी होते हैं जो ज़कात देने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो रिसीव कर लेते हैं और आगे इस नीयत से रिसीव करते हैं कि भाई हम आगे किसी जो है गरीब को दे देंगे, तो क्या ये रिसीव करना बेहतर है? और दूसरी बात ये कि क्या उसकी ज़कात अदा हो गई, क्योंकि वो तो एक ओपनली बांट रहा है ज़कात जो कि अल्लाह का माल है। मैंने आपको बताया कि मुस्तहिक को मालिक बनाना, जिसको हम तमलीक कहते हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो तमलीक नहीं हुई, मुस्तहिक को मालिक नहीं बनाया, तो ज़कात अदा नहीं होती। ठीक है, अब आपने जो सूरत बताई है उसमें ये कि उनके पास वो पैसा उन्होंने अपनी ज़कात या जमा करके निकाला, तो क्या बताया भी है कि ये ज़कात है? नहीं, अगर नहीं बताया है और ज़कात दे रहे हैं तो सिर्फ मुस्तहिक को देंगे तो अदा होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, या तो ऐलान किया जाए कि हम जो दे रहे हैं वो ज़कात में से दे रहे हैं, तो सिर्फ ज़कात जिनको ले सकते हैं वो लें। ठीक है, अगर कोई दूसरा ले रहा है तो वो वकील बने, लेकिन ये कि वो अपने लिए वसूल ना करे। और वो साइन तो वो अपने नाम पे ही करेगा ना? नहीं, वो तो रसीद पे लिखना है, लेकिन ये कि वो वकील बनकर ले रहा है और उसको पता है ये ज़कात है, तो वो अपना मालिक नहीं बन रहा, वो पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में हैं, आपने ऐलान किया लोग आपको ज़कात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहुँचाइए, आप आगे मुस्तहिक को देंगे क्योंकि आपको उसने दिया है, वकील बनाया है। ठीक है ना, तो इसी तरह जो वसूल करे वो पहुँचाने की नीयत से ले, दस्तखत भले उसने किए हैं वसूल करने के, लेकिन उसका मकसद भी पहुंचाना है, ख़ुद रखना नहीं है। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि मुस्तहिक को पहुंचे, नहीं पहुंचेगी तो अदा नहीं होगी। ठीक है, और वो मुस्तहिक सहीउल अकीदा होना चाहिए, यानी वो मुसलमान हो, वरना अदा नहीं होगी। वो एक ऐसी चैरिटी हो जाएगी जस्ट लाइक जो सदका नाफिला आप किसी को भी दे सकते हैं, ये सदका वाजिबा आप मुसलमान सही सच्चे मुसलमान को देंगे। ये जिम्मेदारी है देने वाले की भी और लेने वाले के लिए। अब दो मसले आते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी सगी बहन है, सगा भाई है, कमज़ोर है, आप उसको देना चाहते हैं, तो आपको कहना ज़रूरी नहीं है, आप तोहफा कह सकते हैं, ईदी कह सकते हैं, बच्चों का खर्च कह के दे सकते हैं, नीयत ज़कात की होगी। ठीक है, देते वक्त, बाद में नीयत नहीं होगी, देने के बाद देते वक्त नीयत होगी। अगर उसने पूछ लिया कि क्या ये ज़कात है, तो फिर आप छुपा नहीं सकते, लेकिन उसको पूछना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह मदद करवा रहा है। ठीक है, तो उसको ले लेना चाहिए, लेकिन पूछ लेगा कोई तो फिर आप छुपा नहीं सकते। ठीक, अच्छा, अगर वो बहन भाई को नहीं भी देता, किसी रिश्तेदार को, करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार को देता है, नीयत उसके दिमाग में है कि ये ज़कात की जी, जो वो मुस्तहिक को दे रहा है तोहफा कह के भी दे सकता है। ठीक, अच्छा, हम सब हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे मसारिफ के हवाले से, मैंने इसमें कुछ बातें लोगों को बतानी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। ठीक है, कपड़े होते हैं, मैंने एक कपड़ा ख़रीदा है 500 रुपये गज़ का, उस पर मैंने कोई 1000 रुपया सिलाई दी है। अब मैं 4 गज़ ख़रीदा है, मिसाल के तौर पर 2000 का कपड़ा हो गया, 500 रुपये सिलाई, तो वो 2500 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैंने उसको कुछ पहन लिया है, ठीक है, एक बार या दो बार, क्योंकि ख़वातीन में ये मसला होता है कि वो बार बार नहीं पहनती, तो वो ज़कात की नीयत से जितना इस्तेमाल हो गया वो निकाल कर वो कपड़ा भी दे सकती हैं, वो बर्तन भी दे सकती हैं, वो फर्नीचर भी दे सकती हैं। लेकिन फी ज़माना ऐसा बहुत कमी हो रहा है? नहीं, बहुत होता है, सारा साल लिखती रहती हैं। अच्छा, देती रहती हैं, मासियों को दे दिया, दूसरों को दे दिया, तो लिखती रहती हैं। तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप सिलाई के पैसे शामिल कर लें, लेकिन जितना इस्तेमाल किया है वो निकाल दें। एक्चुअल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन करके लाजमी करना है, और वो इतना करें कि जो मिसाल के तौर पर मार्केट में दें तो उसी हिसाब से हो। आपने घर में बुला के किसी को कहा ये खाना बैठ के खा लो और नीयत ज़कात की है, तो नहीं, आप खाना उसको हैंड ओवर कर दें, उसके हाथ में दे दें, वो मालिक बना दें, वो बेचे या रखे या खाए, वो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, कस्टडी में रख के नहीं हो सकेगा। नहीं, मतलब ये कि आपको उसको मालिक बना देना है, आपने खाना दे दिया है, वो आगे किसी को देना चाहता है दे दे। अच्छा, ऐसा भी होता है, जैसे आपने फर्नीचर का जिक्र किया, लोग गरीब की बेटी की शादी है, उसमें फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिलाए, पेमेंट भी खुद करी
बट एट द एंड ऑफ द डे उसको मालिक बना दिया, तो अब ये इसकी हो गई अदा, क्योंकि बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि उसके हैंडओवर नहीं करी पेमेंट नंबर। मुस्तहिक को दी है, ठीक है, मुस्तहिक को दे दिया, अब वो इस्तेमाल करें बेचें, मुस्तहिक को दिया है तो अदा होगी, उसको मालिक बनाना है। अच्छा, एक और बात, वो भले आपने करेंसी की शक्ल में दिया है या माल की शक्ल में दिया। अलम साहब, ये आपने जिक्र किया था वैल्यू, अब मेरी ज़कात बनती है 1,00,000 रुपये, ठीक है, मैंने ख़रीदी वो चीज़ गलती से या मैंने बहुत जल्दी ख़रीद ली, 1,10,000 की ख़रीद ली, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी 1,00,000 रुपये, तो उसके हवाले से क्या होगा, क्योंकि लोग खुद ही परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं और सब कुछ ज़कात में डाल देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ एक अजीब तरीक़ा है, मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने फैक्ट्री से कपड़ा ख़रीदा बहुत ज़्यादा, ठीक है, लॉट ली, मैं आके घर में बीवी को बेच देता हूँ नफ़े के साथ। मिसाल के तौर पर 10 रुपये की चीज़ ली, मैंने बीवी को 15 रुपये के हिसाब से बेच दी और बीवी से 20 रुपये के हिसाब से ख़रीद ली। ये घर ही में हो रहा है, इसीलिए आपने सुना होगा ये जुमला, कहते हैं घर में इतने का पड़ा है, ये हेर फेर होगा, ऐसी है, ये हेर फेर होगा, उसकी एक्चुअल आपको लगानी है, ठीक है, ये जो आप दरमियान में इस तरह करते हैं, बीवी बच्चे भाई भतीजे जिसको भी दे, बढ़ा दी, पार्टनर को बना दिया इस तरह के, जी किसी तरह उसमें पैसों का वो हो जाए, तो एक्चुअल प्राइस जो उसकी है वो लगानी है मार्केट वैल्यू का भी, अल्लाह से, जी अल्लाह के साथ देना है, और देते वक्त हमें 2 रुपये ज्यादा देने हैं, कम नहीं करने, क्योंकि हिसाब में, अगर बहुत से लोग कहते हैं जी हम हिसाब नहीं रखते हमारा खुला है, तो आपको ज़कात फिर उसी हिसाब से खुली देनी है, खुली इस तरह देनी है कि अगर 50,000 बनते हैं तो आप लाख से ऊपर दे दें, जी लाख दें, कम नहीं देंगे, जी कम नहीं हो उसमें, आपका जो अंदाज़ा है कि मिसाल के तौर पर 50,000 बनती है तो आपने 10-20,000 ज़्यादा करके देना है, ताकि आपका वो शुबा ना रह जाए, और जितना ज़्यादा देंगे वह मन तवा खैरन फ़ुआ खैरुल्ला, जितना ज़्यादा करेंगे उसके लिए ज़्यादा हो। बेशक अलम साहब, अभी आपने जिक्र किया ज़्यादा देने का, अच्छा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत अहदीसें आती हैं ज़कात के हवाले से और सदक़ात के हवाले से, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रब ताला की कसम खा के फरमा रहे हैं कि इस देने से कम नहीं होता जी। आज ये सोच कैसे हमारे जहनों में आना शुरू हो गई कि ज़कात एक बोझ समझने लगी कौम, ये क्या ईमान की कमज़ोरी नहीं कि ज़कात को बोझ समझा जा रहा है? जी देखें ना, टैक्स देते हुए, भत्ता देते हुए, रिश्वत देते हुए, दूसरी चीज़ें देते हुए हम ये नहीं सोचते, ठीक है, तो फिर वो जो रकम होती है ना, वो फिर किसी आपकी बीमारियों में ये और गलत जो भी नुकसान होते हैं, फिर वो उसी के होते हैं, जहाँ कहीं आपने गड़बड़ की है कहीं भी, फिर वो उसी तरह आपके सामने आती है। और ये आप देखें ना, आपके पास ज़मीन है 100 एकड़ है, ठीक है, 1,000 एकड़ है, उस पर आपने फैक्ट्री बनाई हुई है, उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है, उस फैक्ट्री पे ज़कात नहीं है, उसमें मशीनरी पे ज़कात नहीं, उसकी आमदनी पे ज़कात है, ठीक है, कितनी रियायत है आपके लिए। अच्छा, अब लग्जरीज के लिए बात आ जाती है कि जो मेरी ज़रूरत नहीं है, अब एयर कंडीशन आजकल ज़रूरत, टेलीफोन आपकी ज़रूरत, लेकिन उलमा तो कहते हैं जो लग्जरीज हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं, आप उसको भी शामिल करें, तकवा ये कहता है, इख्तियार करें, ये मतलब आप उसको भी शामिल करें कि उसको अल्लाह ने अगर मुझे नेमत दी है तो मैं अल्लाह की राह में ज़्यादा दूँ। तो बोझ समझना कब होता है, जब हम ये समझते हैं कि नहीं जी ये पैसा कम हो रहा है, जबकि वादा है कि ये बढ़ेगा। और वो उसकी मिसाल दी गई कि जैसे एक दाना वो उगाता है 7 बाल, हर बाल में 100 दाना, तो एक के बदले हो गए 700, और अल्लाह जिसके लिए चाहे दुगना जितना ज्यादा कर दे, तो ये है। और फिर नबी पाक ने मांगने को, भिखारी बनने को पसंद नहीं किया। हमारे यहाँ फ़कीर का लफ्ज़ कहा जाता है, फ़कीर मांगने वाला नहीं होता, फ़कीर तो बड़े ऊंचे दर्जे की बात है, लेकिन भिखारी को भी हम फ़कीर कह देते हैं, तो पसंद नहीं किया, गदागरी पसंद नहीं की, बल्कि उनको भी कहा कि मेहनत करो, और अलका से वो हबीबुल्ला, मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा है, तो उसके फ़ज़ाइल बताए। और जो नई औरतें आईं उन्होंने जेवर पहना हुआ था, फरमाया इसकी ज़कात देती हो या नहीं, अगर नहीं देती हो तो यही तुम्हें दोज़ख में ले जाएगी। तो इस हद तक हमें ख्याल रखना है। अब आजकल नकली जेवर आ गया, अब उस पर भी सवाल आने लग गए कि क्या उस पर, तो चूंकि वो सोना नहीं है, इसी तरह हीरे जवाहरात है, उनके साथ मेटल लगा हुआ है सोना चांदी, तब तो होगा, लेकिन हीरे जवाहरात पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन ये कि आपने ख़रीदे हुए बेचने के लिए, तब ज़कात होगी। बिल्कुल, तो आप ये मैंने इसलिए बबता दिया, रिहायशी मकान है, सवारी है, मैंने 4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ज़कात नहीं है,
लेकिन ये कि मैंने वो ट्रेडिंग के नियत से अपना लेकिन बेचने के लिए लिए है तो फिर ज़कात। बिल्कुल अलम साहब, मौजू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद और भी सवाल लेंगे और लाइव कॉल्स भी लेंगे। नाज़रीन इकराम, चलते हैं एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम अलामा उकाड़वी के साथ, और गुफ्तगू हो रही है ज़कात के ऊपर, ज़कात के मसाइल, उसकी अहमियत और उसकी अदायगी, किसको देना है किसको नहीं देना। और बहुत ही ऐसा मौजू है जिसके लिए दुनिया चाहती है कि किसी से रहनुमाई हासिल करे, और आज का मौजू हमने ख़ास तौर पर अपनी ऑडियंस के लिए रखा है कि शुरू रमज़ान में इस मसले को समझ लें तो इंशाल्लाह ताला ये ज़कात का फरीज़ा भी अदा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला कोई कोताही भी नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अलामा डॉक्टर कौकब नौरानी उकाड़वी साहब, और हम लाइव कॉल्स के ज़रिए आपसे लाइव सवालात भी ले रहे हैं। अलाम साहब, ज़कात के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है कि ज़कात किसको देनी है किसको नहीं देनी है, मतलब एक आपका जो जड़ होती है और दीगर मामला जो होते हैं, नहीं किसको दे देनी है ज़कात और किसको नहीं देनी, लोग उसको भी दे देते हैं, तो ये वाजे कर दीजिए। अगर मेरे नाज़रीन याद कर लें तो एक लफ्ज़ उसूल है, ठीक है, असल की जमा, और एक है फुरूर, फरा की जमा। असल जड़ को कहते हैं, फरा शाख को कहते हैं, ठीक, माँ बाप, ठीक है, और माँ बाप के माँ बाप, ठीक है, जितने भी हों, जितने भी, ठीक है, तीसरी पुश्त तक जिंदा हैं, ठीक, दादा है। कहते हैं, परदादा कहते हैं, बाप दादा परदादा ऊपर जितने भी हैं इनको हम उसूल कहते हैं, ठीक है। फुरू कहते हैं औलाद, औलाद की औलाद, ठीक है, ये फुरू हो गए, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ जितने भी हों इनको नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें जो बात आ गई है तो वो ज़रा ध्यान से सुन लें, उसूल और फुरू को नहीं देनी है। अब बहू को दे सकते हैं, ठीक है, दामाद को दे सकते हैं, सौतेली माँ को दे सकते हैं, सौतेले बाप को दे सकते हैं, सौतेली औलाद को दे सकते हैं, ठीक है, आपने ये मैंने वाजे कर दिया। और शौहर सौतेली औलाद को दे सकता है, बीवी शौहर को नहीं दे सकती, शौहर बीवी को नहीं दे सकता, ठीक, बिल्कुल। और सैयद जो हाशमी सादात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है उनको नहीं दे सकते, ठीक, बाकी सब को दे सकते हैं, उसमें सगी बहन है, कज़न है, खाला है, फूपी है, चचा है, मामू है, मैंने बता दिया, उसूल को नहीं देनी, फुरू को नहीं देनी, बाकी सब को दे सकते हैं जो मुस्तहिक हों और मुसलमान हों, यानी अकीदे के लिहाज से दुरुस्त, अहम बात मुसलमान होना मुसल्मान। उसके लिए 100% बिल्कुल लाजमी, वरना अदा ही नहीं होगी, ठीक, सही अकीदे वाले को देनी है। अब कुछ लोगों का मसला ये है कि यानी अपना अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे जून से जुलाई से जून तक बनाए, कुछ लोग जनवरी से दिसंबर तक। अब रमज़ान में लोगों का है कि आपने अगर अपने माल का हिसाब ज़कात के लिए है तो रमज़ान से बनाए, जून से बना हुआ है आप उसको 6 महीने तक रोक के रख रहे हैं, ये गलत है, एडवांस दे सकते हैं बाद में काट लें, लेकिन ये कि रोकना ताखीर करना गुनाह है, ठीक है, ज़िंदगी का भी नहीं पता, आपने किसी को बताया भी नहीं है कि कितना अमाउंट बना है, वो आपके माल में मिला रहेगा तो वो आपके असल माल को भी खा जाएगा, अल्लाह, तो अब आपने निकाल के रखी हुई है ज़कात अलग से, दी नहीं है तो वो अदा नहीं होगी जब तक किसी को मालिक नहीं बनाया, ठीक है, तो ये हमें जान लेना है। बहुत से लोग रोक लेते हैं, फलां की शादी आएगी तो दूंगा, तो इसी तरह बिल्कुल ये इस तरह आप कर रहे हैं, तो आप एडवांस वाली ज़कात में से यानी पहले निकाल लिया आपने, जब आप हिसाब करेंगे उतनी रकम आप उसमें से काट लें, लेकिन रोका है तो उसमें बता दें कि ये ज़कात है, ताकि उसमें खाम खा ताखीर ना हो और सबको पता हो कि वो वहीं जानी है, किसी भी लम्हे अगर इंतकाल होता बिल्कुल तो हो जाता है, कोई आप भूल जाते हैं, कोई और चोरी हो जाता है तो फिर क्या करेंगे। इसमें कोई इशू तो नहीं है कि एक ही अकाउंट में ज़कात रखी, लेकिन हमें तो पता है और हमने लिखा हुआ भी है। नहीं, ये नहीं, आपने कहा ना उसमें ज़कात अगर आपने निकाल के रखी अलग रकम तो फिर नहीं, अब मिक्स है आप दे नहीं रहे हैं तो वो आपके असल माल को नुकसान देती है, ठीक, तो आप एडवांस देते रहें,
मैंने देनी है 6 महीने के बाद, लेकिन मैं हर महीने दे रहा हूँ एडवांस, तो जब हिसाब करूँगा वो निकाल लूँगा, ताखीर ना करें। एक कॉलर है, कॉल जी। जी साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना है कि गोल्ड का वो जो ज़कात निकालनी होती है उसमें वो सेट की शक्ल में होता है, उसमें तांबा भी मिक्स होता है, मोती भी मिक्स होते हैं, क्या उसके सेट का वजन होता है या उसमें से ये चीज़ें लेस कर कर खाली गोल्ड की ज़कात निकालनी होती है, ये प्लीज़ बता दीजिए। ठीक साहब, अच्छी बात है। उसमें ये कहूँगा कि आप उसकी वैल्यू लगाएंगे, मार्केट वैल्यू, लेकिन वो तो फॉर द बीइंग टाइम ऐसे होता है कि 80-20 या 90-10 होता है, वो जो भी है वो सोनार कहलाते हैं ज्वेलर्स, उनका तरीका होता है मिक्सिंग का, मिक्सिंग का बिल्कुल। कोई चांदी मिक्स करते हैं, कोई तांबा मिक्स करते हैं, कुछ लोग कुछ और टांके लगाते हैं उसका, तो आप उसकी वैल्यू लगाएंगे, जो वैल्यू है उस पर होगी कि वो कितनी मालियत का सेट है, वो आपको दुकानदार अगर आप बेचने जाएँ तो कितने का मिलेगा, ठीक ठीक, वो आपको मालूम हो जाती है। लेकिन खालिस सोने पर है, अब उसकी मजदूरी भी उसमें लगी हुई है, तो आप उसकी वैल्यू लगाएंगे कि इस वक्त आप उसको कितने का शुमार करेंगे, लेकिन उसमें नगीने लगे हैं उनका वजन वगैरह गिर जाएगा, वो नहीं होगा, जो सोना चांदी है उस पर होगा। और आजकल तो जब भी आप परचेजिंग करते हैं सोने की, तो साथ में रिसिप्ट मिलती है, देते हैं आपको खोट कितना मिला हुआ है सब कुछ, और वैल्यू वो नहीं लेंगे जब आपने खरीदा था, टुडे आज मार्केट की जो उसकी वैल्यू है वो शुमार होगी। अच्छा, अब अगला मसला जो अभी सवाल नहीं आया लेकिन मैं बता दूं, बहुत से घरों में बीवी के पास मसलन मैके से भी लाई है, ससुराल ने भी दिया है, अब वो तोहफा देके उसको मालिक बनाया है या नहीं? कुछ घरों में ये सुनने में आता है कि हमने तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया है, यानी शौहर की जानिब से दिया गया जेवर जो कि सोने की शक्ल में हो, मालिक बनाया नहीं बनाया, ये वाज़ेह होना चाहिए, वाज़ेह करना चाहिए। जब दे दिया है तो तोहफा कह के बाद में खुदा ना खास्ता कोई चपकलश हो जाती तो कहते हैं वापस करो, तो तोहफा वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब वो बीवी को कहते हैं तुम्हारा है जेवर, तुम दो ज़कात, तो अब वो बीवी के पास अपने पैसे हैं है। नहीं हैं तो वो सोने में से कुछ बेचकर ज़कात देगी, या शौहर उसको कहे कि तुम मेरी कफालत में हो, तुम्हारी ज़कात जो बनती है मुझे बता दो, मैं अदा कर दूंगा, जो कि नॉर्मली आजकल होता है और होना चाहिए ऐसा ही। अगर वो उसको पॉकेट मनी देता है, उस पॉकेट मनी में से वो ज़कात दे सकती है, लेकिन घर के खर्च के पैसे देता है उसमें बगैर शौहर की इजाज़त के नहीं दे सकते, यानी ग्रॉसरी के या डेली जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके हवाले, उसके लिए उसमें बताए कि जी मुझे इसमें किसी भिखारी को किसी को देने की इजाज़त है, मैं इसमें से ज़कात दे सकती हूँ, तो वो इजाज़त दे तब वो उसमें से, हाँ पॉकेट मनी जो लाजमी देनी चाहिए, देते नहीं है लोग, देनी चाहिए, उसमें से वो दे सकती है। ठीक अलम साहब, एक और कॉलर हैं। जी जी जहीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो कीजिएगा। जी जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम जहीर साहब। वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, सवाल कीजिएगा। जी मेरा तल्लक शरपुर शरीफ से है, हाफिज शहीद अहमद नक्शबंदी मेरा नाम है। माशाल्लाह, जनाब से मेरी मुलाकात भी हुई है जन्नतुल बकी में और रियाजुल जन्ना में। माशाल्लाह, तो मियाँ साहब का मैं खादम हूँ, मियाँ अबू बकर साहब का। तो जनाब मैंने सवाल ये करना था कि मैं बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का, ठीक है जी, तो जी आप मैं ना जी मदरसा भी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज का, तो कारी साहब जो है हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मैं अपनी ज़कात के पैसे जो है मेरे जो बनते हैं साल बाद, ठीक है जहीर साहब, सवाल वो, आप वो मैं ज़कात के पैसों में से उनकी तनख्वाह दे सकता हूँ बच्चों को जो पढ़ाते हैं? ठीक है, आपका सवाल समझ गए, इंशाल्लाह ताला आपके जवाब देते हैं। अलम साहब, इनके सवाल का जवाब, जितने भी मदरसे हैं दीनी मदरसे जहाँ नादार तलबा तालिबात पढ़ते हैं या रहते हैं, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग दारुल इकामा बनाया है, खाने पीने का कपड़े फराहम करने का इंतज़ाम नादार तलबा का, उनके लिए ज़कात ली जाती है, लोग जमा करते हैं, उस ज़कात का इस्तेमाल उन्हीं पर होगा जो, तो वो उस पर तो इजाज़त है, लेकिन इमारत के लिए या दूसरे, तो वो उलमा जानते हैं उसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है।
तो आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ तनख्वाह की, वो एक कारी साहब हैं या ज़्यादा हैं, अब वो मुस्तहिक हैं तो आप उनको दे सकते हैं, मुस्तहिक नहीं हैं तो आप ज़कात के पैसे में से उनको देने के लिए, मदरसे पे ख़र्च करने के लिए जो शरई तरीक़ा है वो उलमा जानते हैं, उसके मुताबिक करेंगे तो अदा होगी। यानी हीला शरई करना है, पहले किसी को मालिक बनाना है वहीं तालिब इल्म को या किसी को, फिर उसके बाद आप वो ख़र्च कर सकते हैं। ठीक ठीक अलम साहब, और भी कॉलर्स हैं, उनको ब्रेक के बाद लाइन अप करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, नाज़रीन इकराम हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद और फिर इसी मौजू पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं। गुफ्तगू हो रही है ज़कात के हवाले से, उसके शरई मसाइल के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से, और ऐसे मौजूदात पर गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आपके जहनों में जो सवालात उठ रहे हैं उनका हल आपके सामने पेश किया जाए, ताकि इस्लाम के अरकान जो हैं उनकी अदायगी में आसानी हो और तमाम फ़राइज़ अदा होकर आपके मामलात मुकम्मल हो सकें। नाज़रीन इकराम, आपके लिए हमने एक सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे साथ मसाइल आ रहे हैं उसके हवाले से रखा है, तो ये सवाल जो है इंशाल्लाह बहुत से लोगों के मसाइल को हल करेगा। अलाम साहब, सबसे पहले लोग NGOs, सियासी पार्टियाँ, समाजी जो तंजीमें होती हैं उन्हें बिना बताए ज़कात देते हैं, एक बात। वो ज़कात और सदक़ात और दीगर नफली जो सदक़ात होते हैं उसको एक्यूमुलेट करके ख़र्च करते हैं, दो बात, उसको अलग नहीं करते। तीसरी बात ये कि वो मुसलमानों पर, जो कि ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों पर ख़र्च होनी है, दीगर सदक़ात तो हम दीगर पे भी ख़र्च कर सकते हैं, वो उन्हें बिना बाइफिक्रेट करे वो ख़र्च कर देते हैं, तो क्या इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी? और अगर किसी ने ये माजी में किया है तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? आपके सवाल की तफसील तो बहुत है ज़्यादा, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँ कि नहीं होगा। अब तफसील आती है, आपने बग़ैर बताए दिया है लेकिन आपने दी ज़कात है, ठीक है, अगलों को नहीं पता है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगी, मुस्तहिक को जाएगी, मालिक कोई बनेगा नहीं बनेगा, अदा नहीं, अगले ने पूछा भी नहीं, अदा नहीं हुई, ठीक है, उसके बारे में शोहरत भी देखनी है कि वो सही इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ उनके जो क्या हैं उनके ऑब्जेक्ट जिन पे वो लगाते हैं, ठीक है, अगर उनका भी नहीं मालूम और उसकी तफसील नहीं मालूम तब भी अदा नहीं। वकील अगर मुसलमान ना हुआ, वकील मुसलमान नहीं है लेकिन ये कि आप बैंक के ज़रिए कर रहे हैं, बैंक कहाँ से मुसलमान होता है, तो उसके थ्रू आप भेजते हैं, लेकिन ये कि आप जिस तक पहुँचा रहे हैं आपको पता है, आगे इदारा जो है वो उनको मालूम है, वो सही तरह उसको समझते हैं, अदा करते हैं, उन्होंने उलमा की रहनुमाई ली हुई है, ये जब तक तफसील नहीं होगी तो मैं वाजे नहीं, लेकिन ये अगर चीज़ें नहीं हैं तो अदा नहीं हुई, आपने दे दी है और ज़कात की नियत से नहीं दी है, बग़ैर उसके आपने वैसे ही भेज दिया तो वो चैरिटी तो हो जाएगी आपकी, नफली सदका हो जाएगा, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं हुई, ठीक है। उसमें मैंने आपको बुनियादी बात बता दी थी कि मुस्तहिक को मालिक बनाना है, और मुस्तहिक होना और उसका मुसलमान होना शर्त है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी हमने उन पर डाल के जी नहीं, आपने आपने क्यों नहीं इस मामले में आप वैसे क्यों नहीं दे देते अपना माल खर्च करते हुए, तो बहुत बहुत ज़्यादा 10 चीज़ें मैं देखता हूँ, तो इस मामले में मुझे पूरी जिम्मेदारी का ख्याल रखना। अब उन्होंने गैर मुस्लिमों पर खर्च कर दी जी, अगर आपने ज़कात दी है और उनको पता ही नहीं है कि ज़कात है, तो फिर तो उनको इख्तियार हो गया ना, आपने दे दिया कि जहाँ मर्जी खर्च करें, तो मुजरिम आप हुए, ठीक है, आपने सही तरह नहीं दी और बता के नहीं दी और आपको पता नहीं है कि वो जानते हैं या नहीं, तो फिर आप ज़िम्मेदार हैं। यानी अल मुख्तसर ये कि ज़कात एंड तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, अगर हम इससे बरी ज़िम्मा होते हैं ज़कात या जिसको दे रहे हैं उसके बारे में ये एतबार हो कि वो जानता है, उसको बताया है, मसाइल जानता है, मसाइल जानता है, इस्तेमाल जानता है, और उसको आपने बताया है कि ज़कात है, ठीक है, क्योंकि इदारे को दी है, उसके उनके पास बहुत से किस्म के फ़ंड होते हैं, तो उनको बताना भी ज़रूरी है और उनके बारे में तसल्ली होना भी ज़रूरी है कि ये जानते हैं और सही इस्तेमाल करेंगे। यानी हम इसको अगर कंक्लूड करें कि ज़कात की अदायगी ज़िम्मेदारी के साथ अदा होगी वरना नहीं होगी। अलम साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और मौजू को इसीलिए लेके चल रहे हैं कि जो है इस पर जितना ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे उस पर और वो इनलाइटिंग होगा। तो नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह।
ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. موضوع ہے زکوٰۃ، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ کل بھی موضوع تسلسل میں جاری رہے گا. علامہ صاحب، احادیث سے مبارکہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ وقت آپ کے پاس کم ہوگا، میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. راوی کہتے ہیں جو سن کر دیکھ کر آگے بیان کرے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی اس سانپ کے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ سانپ اس کی باچھے پکڑے گا اور اس کو کہے گا، میں ہوں وہ تیرا مال جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی. اللہ اکبر. چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اندازہ کریں یہ پوری حدیث کیا بتا رہی ہے. اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں دیتے ہوئے ہم کیوں تنگ دل ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ دو گے بڑھے گا، بڑھے گا یقینی طور. تو میں نے ایک دوسری حدیث اور مختصر سنا دوں کہ یہ اس بہانی میں موجود کہ جو نماز تو ادا کرتا ہے ٹھیک ہے، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو میں آج صرف دو حدیثیں سنائی ہیں. آپ نے کہا کہ کل بھی جاری رکھیں گے تو مزید گفتگو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین کرام، آج ذکر ہوا زکوٰۃ، اس کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ کل بھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.